हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मसालेदार चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए फिर बनाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई को। ये मैंने 200 ml ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 तेज़पत्ता है, 1 छोटी 1/2 इंच दालचीनी है और 2 छोटी इलायची, 2 लौंग। इसी आयल में मैंने पहले 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ये देखिए फ्राई कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज मेरी हो चुकी है। अब इसमें मैं चिकन ट्रांसफ़र कर दूंगी। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। और अच्छे से 5 मिनट इसको रोस्ट कर लेंगे। पाँच मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। आपके पास मलाई हो तो मलाई डाल दीजिएगा। मेरे पास मलाई नहीं है। 3 टेबल स्पून है। पाँच मिनट चलाएंगे इसको भी डालकर। पाँच मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेज़स्पून कूटा हुआ लाल मिर्च। दो टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। पाँच मिनट इसको भी पकाएंगे। अब इसकी लीड कवर कर देंगे। 5 मिनट पकाएंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। पाँच मिनट हो चुका है। अब देख लेते हैं। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। पाँच मिनट और ढककर पकाएंगे। चलिए देख लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। पाँच मिनट इसको ढक कर और पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून ज़ीरा
और एक फूल ले लिया है ये जावित्री का, एक छोटा टुकड़ा जायफल, दो बड़ी इलायची, चार से पांच छोटी इलायची, एक टेबलस्पून काली मिर्च, पांच से छह लौंग, इन सबको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट हो गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 200 ग्राम दही है, इसको अच्छे से चलाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम है, हाई मत करिएगा गैस। अब गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। ये सारे मैंने जो मसाले ग्राइंड किए हैं ये इसमें डाल देंगे। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए ऑयल मेरे चिकन में अच्छे से छूट गया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। और ये जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा था इसको डाल देंगे, आधी प्याज डाल देंगे, आधी चावल में डालेंगे। और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छे से इसको रोस्ट कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब ये मेरा हो चुका है चिकन, अब इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये अब चावल की तैयारी करते हैं। ये मैंने 1.5 लीटर तकरीबन पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। और ये ले लिया मैंने 1 टीस्पून सौंफ, आधी टीस्पून सिया ज़ीरा, आधी टीस्पून है काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बादियान का फूल, 5 से 6 हरी मिर्च है, और 2 1-1 इंच का टुकड़ा दालचीनी है, और 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची। इन सबको मैं इसमें पानी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। 1 लेमू का रस है, 2 टीस्पून डाल देंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। पांच से छह ये लौंग है, 2 तेज़पत्ता है। अभी सबको बॉयल आने तक बनाइए। ये देखिए इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप, पानी मेरा बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 किलो मैंने हैदराबादी बासमती चावल लिया था, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था धुल के। अब इसको ढक देंगे। ये देखिए मैंने 1/4 कप दूध ले लिया था, उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे केवड़ा वाटर, और 1/4 टीस्पून डाल देंगे ये फूड कलर, इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको साइड कर देंगे।
अब इसमें मैं पहले चिकन डालूंगी। ये देखिए चावल मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया की पत्ती, ये प्याज जो मैंने बचा लिया था वो डाल देंगे, और ये जो मैंने दूध में थोड़ा वाटर घोल कर रखा इसको डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी लेयर भी लगा लेंगे। ये देखिए चावल मैंने पूरे डाल दिए हैं। अब इसमें लेयरिंग ऊपर से फिर कर देंगे, प्याज डाल देंगे। धनिया पत्ती डाल देंगे, और ये मैंने जो दूध बनाया था इसको डाल देंगे। और ये मैंने देसी घी रखा था 4 टेबल स्पून, इसको भी डाल देंगे इसमें। अब इसकी लीड कवर कर देंगे। आप जिस चीज़ से भी चाहें उससे कवर कर दीजिए, आटे से चाहें या कपड़ा लगा के करना चाहें। अब गैस की फ्लेम पे इसको रख देंगे 10 मिनट लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो गया है, चलिए खोल के देख लेते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे। चावल भी मेरा देखिए अच्छे से हो गया है। ये देखिए चलिए अब इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। इस पर थोड़ी सी धनिया की गार्निशिंग कर देंगे। कैसी लगी मेरी बिरयानी, मसालेदार बिरयानी? आप भी इसको बनाइए और दोस्तों में शेयर करिए। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।